हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं दिनेश यादव और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पार्टन्स लर्निंग मीडिया पर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द बॉयड्स एंड रेडियस रेशियो। लेट्स स्टार्ट। तो अभी हमने आपको न्यूमेरिकल्स आपके सामने आपको दिख रहे हैं, इन न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करते हैं जो कि बॉयड के ऊपर बेस्ड हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है। अगर इस लेक्चर को आपको अच्छे से समझना हो तो जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 9 नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर 9 को ज़रूर देखें। जब तक कि आप लेक्चर 9 को फुली रूप से नहीं देखेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, और कोई भी वीडियो आप आगे बढ़ा के नहीं देखेंगे, ठीक है ना। जो बच्चे 12th क्लास के हैं वो तो कतई नहीं देखेंगे, ठीक। अब होता क्या है कि इन क्वेश्चंस के अंदर जो मैं बारीकियां बताऊंगा उनको समझने की कोशिश करना। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो अपने जितने भी केसेस हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल्स के उनसे बाहर जाए बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। केस फर्स्ट है इस टाइप के न्यूमेरिकल में और क्वेश्चन नंबर भी फर्स्ट है। क्या कह रहा है? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट क्या होता है? मैग्नेटिक ऑक्साइड को हम लोग मैग्नेटाइट बोलते हैं। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला ही लाना है तो अभी तो ओपन नहीं करेंगे ना, अभी पता चलता है। मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन यूज्ड ऑन रिकॉर्डिंग टेप। जो रिकॉर्डिंग टेप होते हैं उनमें मैग्नेटिक ऑक्साइड, जो आयरन का मैग्नेटिक ऑक्साइड होता है उसका यूज करते हैं। तो यूज्ड ऑन रिकॉर्डिंग टेप क्रिस्टलाइजेस विद Fe एटम, मतलब आयरन एटम। आयरन एटम क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल बॉयड एंड हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल बॉयड इन क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटाइट? तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे समझ के चलें। सपोज नंबर ऑफ ऑक्साइड इन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर मैंने एज्यूम कर लिया कि क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के अंदर जो नंबर ऑफ ऑक्साइड है, क्योंकि आयरन के बारे में हमें कह रहा है कि आयरन एटम ऑक्यूपाई कर रहा है, कहाँ कहाँ कर रहा है उसके बारे में बताया, कितना कर रहा है वो भी बताया, पर आयरन का क्या लेके चलना? ऑक्साइड तो ऑक्साइड के बारे में, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता उसके नंबर को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, NX जो भी आप एज्यूम करना चाहें, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोग अब लिख सकते हैं कि नाउ नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉयड। तो बेटा ऑक्टाहेड्रल बॉयड आपको पता है, ऑक्टाहेड्रल बॉयड, ठीक है ना। आगे से मैं OB ही लिखा करूंगा। ऑक्टाहेड्रल बॉयड किसके इक्वल होता है? मैंने कल बताया था पिछले लेक्चर में कि जितना नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में जितना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है उसी नंबर के इक्वल ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स होते हैं और टेट्राहेड्रल बॉयड्स उसके 2 times होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्साइड अगर n है तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉयड भी कितना होगा? n, एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉयड TB ये कितना होगा इसका? 2 times, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देखते हैं कि जो नंबर ऑफ आयरन एटम है वो क्या ऑक्यूपाई कर रहा है। तो यहां से लिखेंगे नंबर ऑफ Fe एटम। तो नंबर ऑफ Fe एटम कैसे निकलेगा अपना? 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल बॉयड, ये क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल बॉयड प्लस हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल बॉयड। तो देखें यहां से नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉयड कितना है? 2n प्लस हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल बॉयड n, इसको सिंप्लीफाई कर लो to 4 times चला जाएगा। LCM 4 आया, यहां n प्लस यहां पे कितना आएगा? 2n, तो ये कितना आ गया बेटा? 3n/4। तो यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? Hence the formula of magnetite क्या है? एक मैग्नेटिक ऑक्साइड है आयरन का। मैग्नेटाइट
क्या हो जाएगा? तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? अभी हमने निकाला Fe एटम कितना आया, रेशियो देखते थे, देख लेते हैं Fe और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आया। तो Fe का कितना आया 3N/4 और ऑक्साइड कितना लेके चले थे हम लोग N, और आयरन कितना आया 3N/4। तो इस रेशियो को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, इस रेशियो को हम लोग सिंप्लीफाई कर लें, होल नंबर में हमेशा सिंप्लीफाई करना होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3N आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4N आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो 3:4 आएगा। तो ये हमारे पास आया आयरन और ऑक्साइड का रेशियो, आयरन और ऑक्सीजन का रेशियो आया। तो ये आयरन ऑक्साइड कौन सा हो जाएगा, Fe3O4। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटाइड विच इज मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, ठीक है ना। तो आयरन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आता है उसको हम लोग कहाँ रख देते हैं, इसके सबस्क्रिप्ट पे रख देते हैं। पहले भी हमने न्यूमेरिकल कुछ ऐसे किए थे, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस सेकेंड न्यूमेरिकल। सेकेंड न्यूमेरिकल को देखते हैं, इसी टाइप का सेकेंड न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा है, इन कोरंडम। कोरंडम क्या होता है इसके बारे में भी अभी जिक्र नहीं करेंगे, वैसे तो ये मैं बता देता हूँ, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है, फेमस ऑक्साइड है, पर आने वाला क्या है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। मैं पहले से बता दूँ तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है, कि ये Al2O3 होता है, बता दिया मैंने, पर देखते हैं कैसे। इन कोरंडम, कोरंडम क्या है, एक एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। ऑक्साइड आयन आर अरेंज्ड इन HCP एरे। HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती, एरे इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट, एरे इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट। तो ये HCP अरेंजमेंट में लिया गया इसका ऑक्साइड। द एल्यूमिनियम आयन ऑक्यूपाइंग 2/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कोरंडम। तो यहां से देखते हैं क्या करेंगे, सपोज उसी तरीके से आपको लिखना है, नंबर ऑफ ऑक्साइड इन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इक्वल स्मॉल n। नाउ नंबर ऑफ, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ऑक्टाहेड्रल बॉयड इज ऑल्सो इक्वल n, एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉयड इक्वल 2 times ऑफ द ऑक्टाहेड्रल बॉयड, ठीक है ना। ये चीज मैं कैसे बता रहा हूं, HCP आपने देखा था, HCP हो या CCP, CCP को हम लोग FCC बोलते हैं। तो आप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को जरा गौर से समझिए, जब हम हेक्सागोनल बनाते हैं तो 6-member रिंग बेंजीन जैसी ऊपर नीचे बनी थी, बीच में ट्राइगोनल बना था। तो गौर से देखें कि जो ट्राइगोनल था तो हेक्सागोनल के बीच में जो फेस पे जो एटम था वो ट्राइगोनल वाले एटम को नीचे से, या हेक्सागोनल वाली जो ऊपर वाली लेयर थी उसका एटम फेस सेंटर का उसको ट्राइगोनल को बीच में टच कर रहा होगा, ऊपर से नीचे वाले को देखेंगे तो नीचे से टच करेगा। तो इस तरीके से किसी एक रिंग द्वारा जो फेस सेंटर वाला एटम था हेक्सागोनल का वो ट्राइगोनल को टच करेगा, 3 एटम को एक नीचे से क्लोजली पैक्ड करेगा, तो उनके बीच में जो इंटरस्टीशियल एम्प्टी स्पेस होगा वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है ना। और ऑक्टाहेड्रल होने के लिए 6-member रिंग बताया था क्लोजली पैकिंग में आने चाहिए सराउंडिंग में। तो ऊपर वाली 6-member हो या नीचे वाली उसके टच में केवल एक ही एक आएगा, बट बीच वाले के टच में दोनों आ रहे हैं तो 2 times हो जाएगा, ठीक है, आप समझ रहे होंगे मेरी बात। तो यहां से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम इक्वल 2/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल बॉयड, 2/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल बॉयड, ऑक्टाहेड्रल का नंबर कितना है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉयड इज n। सो नाउ रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम एंड ऑक्साइड आयन कितना हो जाएगा बताइए आप। यहां पे एल्यूमिनियम कितना है, 2/3n, ठीक है ना, 2n/3 कर सकते हैं, और ऑक्साइड कितना है, n है। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा, 2/3:1, और इसको और सिंप्लीफाई करें तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का जो रेशियो आया है वो क्या आ जाएगा, 2:3। हेंस द फॉर्मूला ऑफ कोरंडम इक्वल Al2O3। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ द कोरंडम। क्या करेंगे, इसको इसके सबस्क्रिप्ट पे और इस रेशियो के इसके सबस्क्रिप्ट पे लेके रखते हैं, ठीक है ना। जल्दी से देख लीजिए आप, ठीक है, मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, आप वापस से फिर से देख सकते हैं वीडियो,
पॉज करके या पीछे करके, ठीक है ना। ये हुआ हमारा केस फर्स्ट। उम्मीद है कि डेली के तरीके से आप कापी पेन लेके ही पढ़ रहे होंगे। अगर वास्तविकता में आपको कुछ बेहतर करना है बोर्ड एग्जाम में, अब देखें सेकंड केस। सेकंड केस का क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने से, टू आयंस ए प्लस एंड बी माइनस हैव देयर रेडियाई 88 पिकोमीटर एंड 200 पिकोमीटर रिस्पेक्टिवली इन अ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन अ कंपाउंड, व्हाट इज द फॉर्म, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कंपाउंड। मतलब कि दो आयंस हैं, एक कैटायन है एक एनायन है। कैटायन आप जानते हो, ठीक है ना, जब किसी एटम्स के आउटर मोस्ट सेल से, ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रॉन को बाहर किया जाता है या डोनेट करता है कोई एटम, तो क्या फॉर्म कर लेता है कैटायन की। और एनायन क्या होता है, जब एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे दो आयंस दिए, एक ए प्लस एक बी माइनस, तो दोनों आयंस में अपने को पता है रेडियाई ऑलवेज ग्रेटर देन एनायन, एनायन हैज ऑलवेज ग्रेटर रेडियाई देन द कैटायन। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है समझते हैं, गिवन दैट यहां पे रेडियस ऑफ कैटायन आयन कितना दिया है 88 पिकोमीटर एंड रेडियस ऑफ एनायन कितना दिया है 200 पिकोमीटर, दोनों की यूनिट सेम है ये भी ध्यान रखना है। तो हमें यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए मैंने क्या बताया था आपको, एक टेबल बनाई थी लास्ट लेक्चर, पिछले लेक्चर में। तो वहाँ से आपको क्या करना है, नाइन्थ लेक्चर से आपको क्या करना है, वो टेबल को देखना है। टेबल में मैंने कुछ रेंज लिखी थी, तो उस रेंज के हिसाब से हमें पता चलेगा कि इसकी ज्योमेट्रिकल शेप या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें रेडियस ऑफ कैटायन एनायन दिया है, तो नाउ वी नो दैट रेडियस रेशियो इक्वल क्या होता है, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। कल मैंने बताया था कि रेडियस रेशियो क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन। तो कैटायन एनायन का रेशियो लिया हमने, क्या दे रखा है 88 अपॉन 200, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 से किया ये 44 टाइम्स गया ये 100, ठीक है ना, ये कितना आया 0.44। तो रेडियस रेशियो की वैल्यू आई 0.44, पिकोमीटर से पिकोमीटर कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब रेडियस रेशियो यूनिटलेस होगा। नाउ अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस द वैल्यू ऑफ रेडियस रेशियो इज लाई इन द रेंज, इन द रेंज 0.414 टू 0.732, देयरफोर इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल कितना आएगा 6, और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। वैसे हमें केवल कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, पर ज्योमेट्रिकल शेप भी हमें पता चल जाएगी। आपको पता है 0.44, 0.414243, 44, 45, ये किसकी रेंज में आएगा, इसी रेंज में आएगा, कल जो टेबल बनवाई थी। इस रेंज वाले सभी रेडियस रेशियो का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है 6, तो 6 इज द फाइनल आंसर, ठीक है ना। इसको आप एक बार देख लीजिए, चलिए मैं रफ कर रहा हूँ। अब हम लोग देखते हैं केस नंबर थर्ड। तो केस थर्ड का जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा आराम से समझते हैं। इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग द फॉर्मूला Ab2O4, ऑक्साइड आयंस आर अरेंज्ड इन क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर व्हाइल कैटायन ए आर प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड एंड कैटायन बी आर प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, देन व्हाट इज द फर्स्ट परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज ऑक्यूपाइड बाय द कैटायन ए एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड बाई कैटायन बी। देखें अभी तक क्या होता था कि जब हमें कोई भी एटम पता है, कोई भी क्रिस्टल दिया है, क्रिस्टल के अंदर कोई एटम क्या कितना पार्ट ऑक्यूपाइंग कर रहा है टेट्राहेड्रल का या ऑक्टाहेड्रल का,
तो ऑक्साइड को हमेशा हम लोग सपोज करते थे, पर एक्चुअली यहां तो हमें फॉर्मूला ही दिया गया। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो अपने को गिवन है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या गिवन है, Ab2O4। अब यहां पे देखें कोई भी क्रिस्टल है उसके अंदर अगर ऑक्साइड N होते हैं तो वहां पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी N लेके चलते हैं और टेट्राहेड्रल वॉइड उसके 2 times लेके चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप देखें कि नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन, नंबर ऑफ ऑक्साइड कितना है, नंबर ऑफ ऑक्साइड इक्वल 4 गिवन है अपने को, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ, सिंस नंबर ऑफ ऑक्साइड इतना है, देयरफॉर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, ये भी इसके इक्वल होते हैं, अगर ये एन लेते तो ये एन लेते हैं, ठीक है। एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या क्या होगी या नंबर क्या होंगे, 2 times ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, दैट इज इक्वल 8। अब हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज ऑक्यूपाइड बाय कैटायन ए, तो आप मेरी बात समझिए, परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड बाय कैटायन ए। अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मान लो अपने स्कूल का जो पेपर होता है, हम लोग परसेंटेज तो जानते हैं ना, बचपन में मैथ में सीखा हुआ है कि सपोज करो परसेंटाइल हमेशा क्या होती है, 100 में से देखी जाती है, पर कैसे निकालते थे, मान लो मैक्सिमम अपना जो है बोर्ड एग्जाम की, मैं अपना बता देता हूँ, मेरा 10th में 500 मार्क्स का पेपर हुआ, 600 मार्क्स का सॉरी, ठीक है ना, 600 मार्क्स का पेपर था, तो पेपर में मेरे मार्क्स सपोज करो 450, सपोज नहीं एक्चुअल में आए थे, तो 450 मार्क्स और टोटल मार्क्स 600 का पेपर था, तो जो टोटल मार्क्स होते हैं वो हमेशा अपॉन में लिए जाते हैं और जितना हम लोग क्या करते हैं गेन करते हैं वो हमारा ऊपर लेके चलते हैं। तो क्या कैसे परसेंटाइल निकालेंगे हम, 450 अपॉन 600 इंटू 100, ठीक है ना, मतलब कि क्या है, मार्क्स ऑब्टेंड अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100, ऐसे ही तो करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि कैटायन ए द्वारा जितना परसेंटेज किसका निकालना है, टेट्राहेड्रल वॉइड का, तो सबसे पहले नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड चेक करिए, 8, तो टोटल कितना है नंबर 8, और यहाँ पे टोटल मार्क्स नीचे, टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ये, और जो कैटायन ए जिसके द्वारा ये ऑक्यूपाई किया जा रहा उसके नंबर कितना है 1, यहाँ पे ए कितना है 1, तो 1/8 ऑफ द 100, तो इनटू 100 कर देंगे, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12.5% आ जाएगा, ठीक है। अब बात करता हूं मैं सेकंड की, ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड बाय कैटायन बी, तो कैटायन बी द्वारा कितना परसेंट ऑक्यूपाई किया गया है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पूछा गया है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की नंबर कितना है टोटल 4, अब बी कैटायन का नंबर कितना है 2, तो कितना 2/4 इंटू 100, ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा 2 times और ये कितना आ जाएगा 50, तो ये कितना आ जाएगा 50%। Hence the percentage of tetrahedral void and octahedral voids are 12.5% and 50% respectively. Got it? ठीक है ना? Screenshot ले सकते हैं? चलिए मैं रफ कर रहा हूँ। अब हम लोग देखते हैं case 4. तो फोर्थ केस का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, देखिए अ कंपाउंड फॉर्मड HCP स्ट्रक्चर, कंपाउंड क्या फॉर्म कर रहा है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.5 मोल ऑफ इट, हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब क्या है कि कोई भी कंपाउंड है जो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बना रहा है, तो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के दौरान वो कह रहा है कि 0.5 मोल में
टोटल नंबर ऑफ बॉयड कितने होंगे और टेट्राहेड्रल बॉयड्स को बताइए। तो देखें इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, समझते हैं। इन एचसीपी, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि एचसीपी हो या सीसीपी हो, आपके पास ऑक्टाहेड्रल बॉयड कितनी होगी, 1, और टेट्राहेड्रल बॉयड्स होगी 2, ठीक है ना। आप उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में जो ट्राइगोनल होता है उसमें नीचे वाली जो फेस सेंटर पे, हेक्सागोनल वाली फेस सेंटर पे जो एटम होता है उसको टच करेगा तो एक टेट्राहेड्रल वहां से बनेगा, एक ऊपर वाली लेयर से बनेगा उसके फेस सेंटर वाला जब उसको टच करेगा। हेक्सागोनल को देखिएगा तो फेस सेंटर वाले को ट्राइगोनल के नीचे से देखिएगा तो एक टेट्राहेड्रल बॉयड, दूसरा ऊपर से, ठीक है ना। तो यहां पे ध्यान रखना, ऑलवेज रिमेंबर दैट इन एचसीपी टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल बॉयड is equal 1 and tetrahedral void is equal 2, ठीक है। अब बात आई कि total number of voids बताने हैं 0.5 mole में, तो 0.5 mole के अंदर हमें total number of voids बताने हैं। What is the total number of voids in 0.5 mole of it? How many of these are tetrahedral voids? तो सबसे पहले tetrahedral void की अगर मैं बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉयड इन 0.5 मोल। तो टेट्राहेड्रल बॉयड कितना है, टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉयड कितने होते हैं हेक्सागोनल में, 2, तो 2 अब कितने में निकालना है 0.5 मोल के लिए, तो 0.5। अब मेरे भाई मेरे को एक चीज बताइए, जो 1 मोल होता है उसमें हाउ मेनी वॉइड्स आर प्रेजेंट, तो 1 मोल एंटिटीज ऑलवेज इक्वल टू द अवोगाड्रो नंबर ऑफ एंटिटीज। एक मोल के अंदर जितनी भी स्पेसीज होती हैं वो अवोगाड्रो के इक्वल होती हैं। अवोगाड्रो की वैल्यू क्या होती है, 6.023 × 10²³। तो मेरे भाई यहां पे वॉइड्स की बात की है तो 1 मोल वॉइड इक्वल क्या होगा, 1 मोल वॉइड इक्वल 6.023 × 10²³ void। तो इसका मतलब है 1 मोल कंटेन कितना करेगा, 1 मोल कंटेन कितना void, अवोगाड्रो नंबर ऑफ void कंटेन करेगा। अगर 1 मोल आयन होता तो अवोगाड्रो नंबर ऑफ आयन, इलेक्ट्रॉन तो अवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी स्पेसीज हो तो उतना ही नंबर अवोगाड्रो नंबर ऑफ स्पेसीज ली जाती है, ठीक है ना। इसके लिए आपको मोल कॉन्सेप्ट का जो लेक्चर डला हुआ है इसमें अवोगाड्रोस के बारे में मैंने बताया होगा फुल डिटेल कैसे ये नंबर आया, तो आप उसको चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉयड इन 0.5 मोल, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉयड कितने होते हैं एचसीपी में, 2, 0.5 मोल में पूछा है, और 0.1 मोल में कितने कंटेन करता है ये अवोगाड्रो नंबर ऑफ स्पेसी, तो इतने में कितना करेगा, तो ये क्या करेंगे 6.023 × 10²³ का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। सिंपल सी चीज है कि अगर 1 मोल में इतना है तो इतने मोल में, क्योंकि 0.5 मोल के अंदर पूछा जाता है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉयड 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉयड इन 0.5 मोल कितना होगा, 2 × 0.5 × 6.023 × 10²³। इतने नंबर होंगे, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं नंबर ऑफ बॉयड्स को, 2 × 5 = 10, तो ये आ जाए 1.0 × 6.023 × 10²³ void। तो यहां से इसको भी सॉल्व कर ले, 1.0 मतलब 1 है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.023 × 10²³ void आ जाएगा, ठीक है ना। इसको अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, मैंने पहले नंबर ऑफ टेट्रा निकाल, अगर मुझसे नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल void पूछे जाते 0.5 में तो 1 × 0.5 कर देते। अब मुझसे कह रहा है टोटल नंबर ऑफ voids, तो नाउ टोटल नंबर ऑफ बॉयड्स इन 0.5 मोल। आप मेरे को बताइए कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉयड कितने हैं, 1, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉयड कितने हैं, 2, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयड्स कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ बॉयड्स, तो 1 + 2 दैट इज इक्वल 3 बॉयड्स, टोटल कितने हुए 3। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉयड्स निकालने के लिए यहां नंबर क्या लेके चलना पड़ेगा, 3 ×
0.5 मोल के अंदर पूछा है इनटू अवोगाड्रो नंबर 6.023 इनटू 10 पावर 23। तो इस हिसाब से टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितना आ जाएगा, 1.5 कितना हो जाएगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। अब आपको क्या करना है, इसमें 15 से मल्टीप्लाई करके पॉइंट लगाना है, तो वैसे कितना आएगा 9.034 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है ना, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इतने ये क्या हो जाएगा, बॉयस। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब हम लोग देखेंगे, अभी तक इसके अंदर ज्यादा केसेस नहीं बनते हैं, जो केसेस मैंने बताए हैं वही क्वेश्चंस बॉयड के ऊपर पूछे जाते हैं। ठीक है ना, पदवा की डेरिवेशंस आपको आने चाहिए, जो पिछले वीडियो लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे आपके इस बोर्ड पे देखिए दो क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, ये क्वेश्चंस केवल मैंने इसलिए लिखे हैं कि आप इनको घर पर अटैम्प्ट करें। ठीक है ना, अगर बच्चे को ये जानना है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं, तो इस लेक्चर में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। पर अगर ये जानना है कि कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम इनको बहुत कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पे लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इनको तो स्टेप बाय स्टेप घर पे करना है, पर अगर बाई चांस आपके मान लो ये कंपटीशन में आए तो इनको कैसे सॉल्व करना होगा वो आप जल्दी से देखिए। मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ। इन अ सॉलिड ऑक्साइड आयंस आर अरेंज्ड इन CCP। CCP आप जानते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। कैटायन ए ऑक्यूपाई 1/6 ऑफ द टेट्राहेड्रल एंड कैटायन बी ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो मेरे भाई बताइए, ऑक्साइड है तो आप इसमें एक ए है, एक बी है, एक ऑक्सीजन है। इतनी चीज तो समझ गए ना, ए बी और ऑक्साइड। ऑक्साइड को हमेशा क्या मानते थे हम लोग, एन। नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन प्रेजेंट इन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इज एन। तो वहां पे जो नंबर ऑफ ए और बी नहीं लिख लेना, अभी नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एन ही होगा, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 2 times होगा। तो यहाँ पे कैटायन ए ऑक्यूपाइड 1/6 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, 1/6 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा 2n, एंड रेशियो कैटायन बी ऑक्यूपाइड 1/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना लेके चलेंगे n। तो बताइए बेटा यहाँ से कितना आएगा इसे सॉल्व करने पे, ny3, और ये भी क्या हो जाएगा ny3, और ये क्या हो जाएगा n। तो इसको सिंपल रेशियो कर लो, 1y3 एंड 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1:1:3। तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, AbO3। देखो आपने, मैंने तो वैसे लिख के बताया, पर आप ओरल भी सॉल्व कर सकते हैं विद इन 2 to 5 seconds। ठीक है ना, जल्दी से सेकंड क्वेश्चन को देखिए। आ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 elements m एंड n। एलिमेंट दो दिए m एंड n, फॉर्म CCP, n एटम m ऑक्यूपाई 1/3। देखिए यहाँ पे m एटम तो ऑक्यूपाई करता हुआ दिखाया जा रहा है, पर n एटम की कहीं बात नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ m और n का रेशियो हमें पता चलना चाहिए, तभी हम कंपाउंड बता पाएंगे। तो n के बारे में पता नहीं, तो इसके नंबर को कितना मानेंगे। सपोज नंबर ऑफ n एलिमेंट प्रेजेंट इन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इज स्मॉल n, एंड नंबर ऑफ m एलिमेंट कितना होगा 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड ऑलवेज क्या होता है, 2 times होता है इसका, 2 times। तो जब हमने ये कह रहा 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, तो बेटा जो m एटम है वो 1/3 है, तो n को कितना माना, n के नंबर्स को नहीं दिया गया तो n को मान लिया स्मॉल n। m के नंबर क्या कह रहा, 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा 2 times। तो यहां से ये कितना आएगा 2/3 n रेशियो n। तो यहां से क्या आ जाएगा 2/3 ratio 1। तो ये क्या आ जाएगा 2 ratio 3। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या होगा, m2 n3। तो इस तरीके से हम वहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, पर आपको घर पे जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि वहाँ पे स्टेप मार्किंग होती है। तो उम्मीद है कि आप प्रत्येक लेक्चर को घर पे मन से लिख कर पढ़ रहे होंगे, अपने नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है ना, लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी समस्याएं हैं, पर आप घर पर सुरक्षित रहें, ठीक है, और हंसते हंसते मुस्कुराते रहें, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ नहीं होना। पढ़ाई करते रहें, एक एक लेक्चर को मन से पढ़ते रहें, लगातार पीछे का रिवाइज करते रहें, नोट्स बनाते रहें। ठीक है ना,
बात बाकी अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आपको और प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आपको मैंने पिछले लेक्चर में जैसे बताया था वैसे आपको करना है कि आपको टेलीग्राम पर स्पार्टस लर्निंग मीडिया ज्वाइन करनी है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके, और वहाँ पे मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम DPP इसकी मैं उसमें सेंड कर दूंगा, तो वहाँ पे आपके पास इसके क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, वहाँ से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। बात बाकी आप सभी जानते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।